हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित मेटालिक बॉन्ड के अंतर्गत आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। मेटालिक बॉन्ड की यह थ्योरी पॉलिंग ने दी थी। उनके अनुसार धातु परमाणुओं के मध्य अनुनाद करने वाले सहसंयोजक बंधों के रूप में धात्विक बंध की प्रकृति समझाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का अगर हम देखें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1, अर्थात इसके पास केवल एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, जिससे यह एक समय में यह केवल एक ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। प्रश्न उठता है कि फिर यह शेष सात परमाणुओं के साथ किस प्रकार बंधा हुआ रहेगा। पॉलिंग ने इसका उत्तर अनुनाद से दिया। उन्होंने कहा कि लिथियम का प्रत्येक परमाणु बारी बारी से अपने चारों तरफ के सब परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और इस प्रकार कई अनुनादी संरचनाएँ बनती हैं। एक त्रिविम सतह में लिथियम के चार परमाणुओं के मध्य का यह बंध व अनुनाद कुछ इस प्रकार होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। लिथियम एक बार वर्टिकली होगा और एक बार लिथियम के बीच में बॉन्डिंग हॉरिजेंटली होगा। ये संरचनाएं शुद्ध सहसंयोजक होती हैं और इस प्रकार का अनुनाद सिंक्रोनाइज्ड कहलाता है, यानी तुल्यकालिक अनुनाद कहलाता है। इस अनुनाद के आधार पर लिथियम का स्थायित्व कम होना चाहिए, जबकि लिथियम एक स्थायी धातु है। अतः इसे समझाने के लिए पॉलिंग ने अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि अनुनाद में अग्र प्रकार की आयनिक संरचना भी पाई जाती हैं। तो उसमें इन्होंने बताया कि लिथियम के बीच तीन लिथियम के एटम जुड़ेंगे और चार लिथियम के एटम जुड़ेंगे, उसमें से एक के पास में प्लस चार्ज और एक के पास में नेगेटिव चार्ज है। यहाँ हम देख रहे हैं कि लिथियम के मॉलिक्यूल किस तरह से अनसिंक्रोनाइज्ड अनुनाद के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये आयनिक संरचनाएं बनने की प्रक्रिया उन्होंने निम्न प्रकार से समझाई। माना कि दो लिथियम के परमाणु हैं, लिथियम ए व लिथियम बी। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1, 2px0, 2py0, 2pz0 होगा। 2s व 2p कक्षकों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं है। अतः यदि लिथियम ए एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और लिथियम बी उस इलेक्ट्रॉन को 2px कक्षक में ग्रहण कर ले तो दोनों का विन्यास निम्न प्रकार होगा। लिथियम प्लस जो ए एटम है वो प्लस चार्ज होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसलिए 1s2, 2s0, 2px0, 2py0, 2pz0। लिथियम माइनस का बी मॉलिक्यूल जिसमें कि एक एटम जिसने एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण किया है 2px ऑर्बिटल में। अब लिथियम बी के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए जो 2s व 2p कक्षकों में हैं। ये दोनों कक्षक संकरित होकर दो sp संकरित कक्षक बनाए दो sp कक्षक बना लेते हैं, जो दो लिथियम परमाणुओं के साथ दो सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। अतः उपयुक्त विषमकालिक अनुनाद की सभी संरचनाओं का बनना आसानी से समझाया जा सकता है। इनमें जो बचे हुए रिक्त कक्षक होते हैं उन्हें मेटालिक बॉन्ड्स कहा जाता है। इन कक्षकों में ये विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके विद्युत का चालन करते हैं। ग्रिफिथ ने संजक ऊर्जाओं के आधार पर मेटालिक बॉन्ड का स्पष्टीकरण दिया। तीन लंबे आवृत के तत्वों की संजक ऊर्जाओं का निम्न प्रकार समझाया। तत्वों के गलना, क्वथनांक, गलन की ऊष्मा, कठोरता आदि ऐसे गुण हैं जो तत्वों की संजक ऊर्जाओं से संबंधित हैं। अतः उनके लिए भी उपयुक्त प्रकार के ही वक्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा अर्थात प्रति परमाणु धात्विक बंधों की संख्या सीजियम से टंगस्टन तक बढ़ती जाती है, फिर मरकरी तक घटती जाती है, मरकरी के बाद फिर लेड तक बढ़ती है और उसके बाद घटते हुए रेडोन पर शून्य हो जाती है। ग्रिफिथ ने स्पष्टीकरण दिया कि मेटालिक बॉन्ड में डी तथा एस इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होते हैं और जब परमाणु में डी तथा एस कक्षकों के समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं जैसे मरकरी में, तो उसके धात्विक बंध में एस तथा पी कक्षकों का उपयोग होता है। इस प्रकार अधिकतम सहसंयोजकता उस समय होती है जब
डी तथा एस कक्षकों में अधिकतम 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा तब अधिकतम सहसंयोजकता उस समय होगी जब एस व पी कक्षों में अधिकतम 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो। इसके आधार पर किसी समूह की प्रवृत्ति को भी समझाया जा सकता है। एक समूह में नीचे वाले तत्वों के लिए डी तथा एस कक्षकों की ऊर्जा में समानता रहती है जबकि एस व पी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर होता है। अतः किसी समूह के बाद वाले तत्व डी वन एस संकरण से प्रबल बंध बनाते हैं जबकि समूह के प्रारंभिक तत्व एस पी एन संकरण में दुर्बल बंध बनाते हैं। उपयुक्त धारणा के आधार पर धातुओं के चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके लिए पॉलिंग ने सुझाव दिया कि समस्त धातु परमाणुओं में डी एस व पी 5n-1d कक्षक 1n-s कक्षक व 1 np कक्षक अर्थात कुल 9 कक्षक उपयोग में आते हैं और इनमें से 6 कक्षक उपयुक्त होते हैं। 0.72 धात्विक चालकता के लिए रिक्त रहते हैं और 2.28 कक्षक नॉन बॉन्डिंग के रूप में बचे रहते हैं। 0.72 कक्षक प्रति परमाणु एक आनुभविक मान है जिसका तात्पर्य यह है कि किसी क्षण समस्त परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुल्य नहीं होता। 6 बंदी कक्षकों बॉन्डिंग ऑर्बिटल में विद्यमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके धात्विक बंधों की संख्या के बराबर होती है जो कि ठोस अवस्था में बंध बनाकर युग्मित हो जाते हैं। अबंधी कक्षकों में विद्यमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसके चुंबकीय गुणों का निर्धारण होता है। ये इलेक्ट्रॉन ठोस अवस्था में भी अयुग्मित ही बने रहते हैं जिससे उनका पैरामैग्नेटिज्म में योगदान उतना ही रहता है। इन कक्षकों के नियमित या व्यवस्थित रूप से भराव बने हुए धात्विक बंध तथा तत्वों के चुंबकीय गुण आदि के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इस प्रकार प्रभावित होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक सारणी दे रहे हैं। इस सारणी के द्वारा हम पोटेशियम से ब्रोमीन तक की ठोस अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनकी धात्विक चालकता आदि को समझा सकते हैं और ये चार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।